नवोदय कार्य भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा संचालित किए जाते हैं और लगभग भारत वर्ष में लगभग सभी जिलों में नवोदय विद्यालय एक एक कार्य कर रहे हैं। विद्यालय द्वारा बच्चों को सारी सुविधाएं जिसमें खान पान रहन सहन इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। आज हम सब नवोदय विद्यालय में सत्र 2010-11 भी विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा की गई उपलब्धियों के लिए माननीय मुख्य अतिथि रेखा कपूर से पुरस्कार देकर सभी को प्रोत्साहित किया। गांधी जी ने कहा था
कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। आज के समय में शिक्षा का बहुत महत्व है, गांव में शिक्षा की और भी महती भूमिका है। कुछ है
करती हैं। मान लो अंजू शहर चली गई तो घर का काम काज कौन करेगा? माँ, घर का काम करने के लिए मैं और भाभी जी हैं ना। अरे तू क्या सारी उम्र यहीं बैठी रहेगी? तेरी शादी करके भी तुझे अपने घर नहीं भेजना? भाजी, मैं तो हूं ना घर का काम काज करने के लिए। अच्छा भी, अब आप ही बताइए, आप घर के बड़े मुखिया हैं, आपकी क्या राय है? अगर ये सब चाहते ही हैं कि दोनों बच्चे शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करें, तो मैं सोचता हूँ कि इन दोनों को शहर भेज ही देना चाहिए। जैसे आपकी मर्जी। अंजू अमित, तुम दोनों को पढ़ने के लिए शहर जाना है, जाकर अपने जाने की तैयारी करो। सुनो मेरी बात, अगर ये वहाँ जाकर बिगड़ गए फिर मुझे मत कहना। मैं सबको संभालूंगा, तुम चिंता मत करो। हर नर नारी को ये बताना है, लड़की को उस शिक्षा दिलाना है। हर नर नारी को ये बताना है, लड़की को उस शिक्षा दिलाना है। दहेज के मामले में बन जाती है भोरा, लड़कियां आगे आएंगी तो होगा नया सवेरा। लड़कियों को पीटी उषा और कल्पना चावला जैसा बनाना है। लड़की का महत्व बताना है, लड़की को उस शिक्षा दिलाना है। Yeah.
शेर बनाने शेर तो मैं सोन ला Thank you.
आदरणीय श्री जगदीश नेहरा जी, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के ओएसडी और इस हल्के से आपकी आवाज़ उठाने वाले डॉक्टर केवी सिंह जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मलकीत सिंह कोसा जी, भाई भूपेश मेहता जी,